खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एमपी में दोबारा आई बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी ने डेरा जमा लिया है, लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। मंदसौर सबसे ज्यादा प्रभावित है। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है, 3 दिन से 30 फीट ऊंचा ब्रिज डूबा हुआ है, पानी का बहाव तेज है। देखिए मंदसौर से एबीपी न्यूज संवाददाता अजितिका सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और पीछे ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ये शिवना नदी के पास बना हुआ है। शिवना नदी जो है वो अब भी उफान पर है। ब्रिज की हालत आप देख सकते हैं, 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिनों से ब्रिज जो है वो इसी तरह पानी में डूबा हुआ है। लोगों का जो आना जाना है इस ब्रिज से पूरी तरह से रुका हुआ है। उस तरफ आप देखेंगे तो वहां पर जो आपको हट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ और इमारतें दिखाई दे रही हैं, वहां पे शमशान घाट है, उसके अलावा और कुछ दुकानें हैं और ऐसी कुछ जगह है जो कि पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां पर लोग घूमने जाया करते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रिज पर इस तरह से तेज बहाव है, तेज पानी बह रहा है, लग नहीं रहा है कि मानो ये ब्रिज हो, ऐसा लग रहा है मानो कि नदी ही यहाँ पर बह रही हो, नदी के बीचों बीच कोई ब्रिज बना दिया गया हो। दरअसल ये जो ब्रिज है करीबन 30 फुट की ऊंचाई से शिवना नदी के होता था, लेकिन जब से बारिश ज्यादा तेज हुई है, शिवना नदी उफान पर रही है, 30 फीट ऊपर उठकर शिवना नदी का पानी पहुंच गया है और इस ब्रिज की हालत 3 दिनों से कुछ ऐसी ही है। मंदसौर के हैदरवास गांव में पक्के घर की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। अब तक किचन से पानी नहीं निकल पाया है, अनाज खराब हो चुका है। देखिए मंदसौर से 5 किलोमीटर दूर हैदरवास में पानी करीबन छाती से ऊपर तक भर गया था। इस वक्त आप ये यहाँ पर निशान देखेंगे दीवार पर, यहाँ तक जो पानी है ये गीला आपको दीवार पर निशान नजर आएगा। और ऐसे ही घर में हम मौजूद है जहां पर पानी पूरी तरह से भरा हुआ था। ये जो सामान है इनका, यहाँ पर कुछ भूसा रखा हुआ है, भूसा के साथ साथ आगे चलकर यहाँ पर किचन है। सबसे पहले आप देखेंगे सारा जो अनाज है ये सामने रखा हुआ है, कैसे फैला हुआ है, ये पूरा गीला हो चुका है। इसी अनाज से भरे हुए ये 2 ड्रम्स हैं जो पूरे तरीके से भीग चुके थे, पानी में बह चुके थे, लेकिन इसके अंदर और इसी के साथ मैं आपको किचन में बाकी जगह दिखा दें। पानी का निशान ये आपके सामने है, यहाँ तक पानी भर गया था इस किचन में, जिसकी वजह से जो सारा सामान यहाँ पर भरा हुआ था, जो आमतौर पर किचन का सामान होता है वो बह गया। यहाँ पर किचन को संभालती हैं, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, अभी सारा सामान कहाँ है? अभी सारा सब गिर गया, मतलब बह के गए है वो, तो वो आधा थोड़ा बहुत बच्चा वो धो के रखा है। कहाँ रखा? छत पर? छत पे रखा, पत्रा पे डाल रखे ऊपर। अच्छा, इन दोनों में भी गेहूं है? हाँ, 5 ड्रम में गेहूं थे, 5 ड्रम में गेहूं थे, 2 ड्रम तो बाहर पड़े धो के रख रहे, यो और पड़े दो। कुछ बचा या सारे गीला हो गया? सारे देखो आप, भले ऊपर पड़ा, आप जाके तो गुप्पा मेल दिया सारा ही। सूखने डाला है? नहीं सूखेगा, अभी गुप्पा मेल दिया, पंखा लगाएगा, लाइट चलेगा तो सूखेगा। भी अनाज था वो खराब हो चुका है, 2-2.5 लाख का उनका दावा है कि इतना उनका नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब धीरे धीरे लोग घर वापस आ गए हैं, समेटने में लगे हैं अपना सारा सामान। आखिरकार अब घर में वापस आकर ही उन्हें खाना बनाना है, कब तक राहत शिविर में रहेंगे? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई सुविधा उनको मुहैया कराई नहीं गई है।